ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज परम सतगुरु, परम शिक्षक बेहद के बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्ची, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो इस दिव्य चक्षु से, इस दिव्य दृष्टि से, इस तीसरे नेत्र अर्थात आत्मा रूपी नेत्र, जिसे समझ का नेत्र भी कहते हैं। और यह समझ हमें स्वयं ईश्वर ने दी है। इस दिव्य चक्षु से, इस ज्ञान चक्षु से हम मन बुद्धि के द्वारा तीनों कालों का और तीनों लोकों को जानने लगे हैं। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, शरीर से नहीं है, रूहों से है। इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं और रूह ही पाठ बजाती है। शरीर तो विनाशी है, है ना? तो 84 का चक्र आत्मा का घूमता है, तन तो बदले होते रहते। बाबा कहते हैं रूहों को वर्षा देते हैं, रूहों से ही संबंध है। गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक अर्थात स्वर्ग, बैकुंठ। अमर लोक अर्थात गोल्डन एज, 150 वर्ष की आयु। और बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक से वहां जाना है सुख धाम में। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाली मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। कई कई फिर समझते हैं कि अमर होना अर्थात कभी मृत्यु ही नहीं होना, जबकि यदि आप ने तन को लिया है तो मृत्यु अटल सत्य है, वह होना ही है। प्रकृति अपना परिवर्तन करती ही करती है। और यह अमर होना अर्थात आपकी उम्र जो है 150 वर्ष होना। आपने जो है एग्जाम्पल भी देखा होगा कि यदि जीवन लौकिक जीवन में यदि किसी का उम्र 100-104 वर्ष हो जाता है, तो उनको बहुत खुशियों के साथ ढोल पीट करके और बहुत ही अच्छे से उनको विदाई किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी उम्र जी ली, उम्र को इन्होंने बहुत अच्छे से जिया है, इसीलिए खुशी से विदा करते हैं, दुख करके नहीं करते। तो वहां किसी की भी अकाल मृत्यु, इस तरह से कोई भी बीमारी से, भूख से, किसी भी दुख से, किसी भी रोग से, बीमारी से मृत्यु नहीं होती, इसीलिए उसे अमरलोक सुखधाम कहा जाता। बाबा कहते हैं
जिसको अमरनाथ कहा जाता है, तो का जो जरूर अमरलोक में जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। अमरलोक में जाना है तो कथा अमरलोक में ही तो आकर नहीं सुनाएंगे ना, वहां जहां जरूरत ही नहीं वहां कैसे सुना सकते, तो जरूर मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे, तभी तो अमरलोक जाएंगे। तीन कथाएं भारत में ही मशहूर हैं, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा। अमर कथा जिसे फिर अमर होते, सत्यनारायण की कथा अर्थात जो मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा, और तीसरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीसरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके, यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। और लोक कौन कौन से हैं? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आकारी साकारी निराकारी। जहां से हम आते हैं, शांति धाम से, निराकारी दुनिया से आत्माएं, और जहां का हमारा बेहद का बाप शिव बाबा शांति धाम का निवासी, वहां के हम असल में रहने वाले हैं। हमारा घर शांति धाम, जिसे निर्वाण धाम कहा जाता, वह है फर्स्ट फ्लोर, जहां हमारा परमात्मा रहता। फिर सेकंड फ्लोर, जहां सूक्ष्म बतन जिसे कहते, वहां साक्षात्कार जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का होता, साक्षात्कार दे जो होता है वहां सेकंड फ्लोर। फिर होता है ये इस संसार में जहां आत्माएं ये शरीर को लेकर के पार्ट बजाती हैं, है ना? तो इस तरह से साकारी आकारी निराकारी, तो मूवी वॉकी टॉकी, है ना? इस तरह से टॉक में जब हम तन को लेते तभी कर्मेंद्रियों के द्वारा टॉक में आते हैं, है ना? इस तरह से बाबा हमें ये थ्री फ्लोर का ज्ञान देते हैं। और जो बाबा कहते हैं कि यह हमारा जो ज्ञान चक्षु है, इससे हम तीनों कालों और तीनों लोकों को जान लेते हैं, है ना? तो काल कौन कौन से हैं? आदि मध्य अंत का ड्रामा बताया ना बाबा ने तीन कालों का। तो जहां हम सुख में रहते हैं, फिर बीच में आती है सतो रजो तमो की जो अवस्था हमारी होती है, तो आदि में हम सुख, और फिर उसके बाद में हम जो मध्य जीवा बनते हैं ना, तो वहां से फिर हमारा दुख में आना शुरू हो जाता है, फिर अंत में तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो ये तीन स्टेजेस हैं। सतो में हम दुखी सुखी रहते हैं, फिर रजो में हमारे सुख थोड़े कम होते हैं, और जब हम तमो बनते हैं तो दुख ही दुख हो जाता है ना? इस तरह से बाबा ने हमें ये बातें समझाई। तो बाबा कहते हैं यह सब तुम जान चुके हो, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। स्थूल बतन जहां हम हर चीज को देख करके इन स्थूल नेत्रों से, ये जो शरीर के नेत्र हैं उनसे हम देखते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, छू करके समझते हैं, किसी भी चीज को देख करके हम उसका नॉलेज लेते हैं, टच कर सकते हैं, है ना? तो ये है हमारा ये स्थूल बतन। सूक्ष्म बतन में ऐसा कुछ होता नहीं है, और मूल बतन में तो आत्माएं रहती और वहां से आती, और हमारा बेहद का बाप का निवास स्थान। बाबा कहते इस तरह से मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि तीसरा नेत्र उगाता है, त्रिनेत्र अर्थात यह समझ का तीसरा नेत्र। बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता,
तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठी मीठी रूहानी बच्ची रूहानी बाप से सुन रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं, है ना, बाबा कहते हैं ना, मैं कौन, मैं कहने वाली, मैं आत्मा, और मेरा कौन, करण करावन हार पिता बेहद का परमात्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं इधर तो देह अभिमान होने कारण मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ, देह अभिमान आ जाता है, है ना, क्योंकि मध्या जी जो द्वापर से यही करते आए हैं ना, तो जन्म जन्मांतर का इस जो वजन को लेकर के, इस चौड़े रूपे शरीर को लेकर के हम चलते आए और इसको ही सब कुछ समझ कर चलते आए, तो ये यूं ही तो क्षण भर में तो नहीं चला जाएगा ना, तो इसमें टाइम लगता है। बाबा कहते इस तरह से अभी जो इस संगम पर रूहानी बाबा कर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, बाप से एक बार वर्ष बच्चा वर्षा लेने का हकदार है। बाबा कहते हैं बाप से हर एक, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, सर्व आत्माओं का पिता बेहद का बाप है, बेहद के बाप ने हर एक को इस वर्षे के हक को देने का वादा किया है, लेकिन वह कैसे प्राप्त होता है, जब खुद को जाने, परमात्मा को पहचाने, उसकी बात को माने, श्रीमत पर चले, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर वार पढ़ाई के अनुसार ही वर्षे का हकदार बनते हैं, है ना। ऐसे तो फिर जो नहीं जानते वो मनुष्य आत्माएं, है ना, कौरव हो जाती, और जो बाबा को जान लेते हैं तो वो सुख की दुनिया में आते हैं, है ना। बाबा इससे सब हमें बातें बताते कि अच्छी रीति पढ़ो। बाबा कहते हैं इस तरह से बच्चा बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई रूह किसी के अंदर बिना रूह के जो है ये जीवन में आ जाते हैं, है ना, बिना आत्मा के तो कोई बच्चा हो ना सके, तो और आत्मा तो परमात्मा है ही बच्चे का बाप, है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए सभी बच्चे हो ना, लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है ना, जो बच्चा होता है, बच्चियां नहीं बनती हैं, आजकल तो हो गया है रूल, तो इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई, तो यह तो रॉन्ग है ना। पार्वतियां कौन, अमरनाथ की कथा सुनाने वाला कौन, अमरपुरी का राजा बनाने वाला कौन है, स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला कौन, तो वह तो है ही शिव बाबा, है ना। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, अमरपुरी से आकर के अमरपुरी का मालिक बनाते बाबा स्वयं आते हैं ना, तो बाबा कहते इस तरह से यह सब तो रॉन्ग है, असल यथार्थ रीति तो मैं आकर समझाता हूँ, हर बात को क्लियर कर तुमको सच सच बताता हूँ। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है, ट्रुथ, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, तो गॉड कौन सा ट्रुथ जानता है और कौन सा ट्रुथ हम बच्चों को अर्थात हम आत्माओं को वह ट्रुथ समझा करके हमें धारण करने कहता है, और हमें भी वह ट्रुथ सबको बताने के लिए बाबा हमें रूहानी बच्चे रूहानी सेना कहते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो तुम अब यह जान गए हो। बाबा कहते सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे, जो झूठे हैं वो कैसे सुनाएंगे इस मनुष्य सृष्टि पर,
देवताओं के पास ही यह सच्चाई नहीं होती है तो फिर और कोई के पास तो हो ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार पतित शरीर झूठी काया झूठी माया। ये जो पांच विकार हैं वो तो हमारे स्वधर्म है ही नहीं, हमारे तो निज गुण कुछ और ही हैं, तो यह हमारे झूठी माया हो गई। झूठा सब संसार। इस संसार में कुछ भी सच सत्य नहीं है क्योंकि आत्मा का सत्य कोई नहीं जानता। आत्मा का सत्य जब आत्मा की स्मृति रहती है तब कोई दुखी रहता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार जिसमें कोई सार ही नहीं है। बेसार का संसार विषय वैतरणी नदी है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं इसमें आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा क्योंकि यह सब जो है झूठा है। समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ है ज्ञान रुद्र यज्ञ। आत्माएं शिव बाबा जो है हमारा बाबा और रुद्र अर्थात जो रुद्रियां टिकी रहती है ना अभिषेक के समय पर, तो वो हम आत्माएं अर्थात सालिग्राम कहा है। तो ये बाबा कहते हैं ये हम आत्माओं के लिए ज्ञान है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो यह अंतिम यज्ञ है क्योंकि अब ये कल्प का जो साइकिल है वो खत्म हो के अब फिर से आदि से शुरू होती है ना, तो शुरुआत तो आदि ही है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। 5,000 को 40,000 कह दिया। अमर लोक को सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा तीजरी की कथा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। जब हम भक्ति में कदम रखते हैं अर्थात द्वापर से देवता वाम मार्ग में गिर के काम चित्ता पर बैठ विकारों में गिर काले होते, और काले होने की वजह से ही जो हमारा सुख खत्म होता तो वो हम विस्मृति में जाने की वजह से खत्म होता। जब हम खुद के जो खुद का स्मृति आत्मा की स्मृति भूल जाते तो हम विकर्मों में आ जाते, कर्म विकर्म बनने शुरू हो जाते, वहीं से भक्ति शुरू हो जाती। क्योंकि जब हम दुखी हो जाते तो हम परमात्मा की जो है पहचान में परमात्मा की याद में रहना शुरू हो जाते और परमात्मा को ढूंढने में लग जाते हैं है ना। तो इस तरह से जब वह शुरू होती तभी फिर दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। नहीं तो हमारा धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म है देवभूमि
है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाद में दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं, हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है ना, मत अलग अनेक हुए तो द्वैत का कारण बना। भारत अमर पुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे अब नहीं, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं, है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि इटली का रहने वाला ये कहने लग जाएगा कि मैं इटालियन हूँ या फिर मैं इटली भाषा का या इटली का, ऐसे यूरोप में रहने वाला कोई यूरोपियन धर्म तो नहीं कहेगा ना। हिंदू में, हिंदुस्तान में रहने वाला कहते, बाबा कहते कि ऐसा कह दिया, जबकि हमारा तो जो डीटीज़ में धर्म था हम उसे भूल गए, अब तो कोई बचा ही नहीं, तो फिर हिंदुस्तान में रहने लगे तो हिंदू कह दिया, है ना। बाबा कहते हैं कि इस तरह से ऐसा तो नहीं है ना। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, हाँ? तो बाबा कहते परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते, समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल बिकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। वह अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया है ना। बाबा कहते तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो, अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, है ना। बाबा कहते दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता, यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, और कौन सी जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है इस ज्ञान अग्नि से, तो कौन सी जो है किसका विनाश करती है? योग अग्नि किसका विनाश करती है? विकारों का। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आग पर बैठ जा करके आपको उसमें अपना बैठ करके विनाश करना है, नहीं। ये योग अग्नि अर्थात याद की यात्रा में रह करके अपने विकारों पर जीत पहननी है, विकारों को इस प्रज्वलित अग्नि में, ज्ञान अग्नि में उसे दग्ध करना है, है ना। खूने नाहक नदियां या किसी में जलकर मरने की बात नहीं। बाबा कहते इस तरह से जो तुम जानते हो ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी, महाभारत लड़ाई, है ना। अब जैसे ज्ञान जो अर्जुन को दिया होगा तो एक अर्जुन को तो नहीं दिया होगा ना, सर्व आत्माओं को दिया होगा ना, है ना। तो पापा कहते हैं लड़ाई भी सबके बीच में लगी होगी, तो इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, हाँ, अब द्वापर में तो लड़ाई शुरू हुई नहीं होगी, द्वापर में कह दिया ना, द्वापर में महाभारत हुआ तो द्वापर में तो नहीं हुई होगी लड़ाई। बाबा कहते हैं यही लड़ाई है असल में महाभारत की, एक दो को दुख देते ही रहते हैं ना। इस तरह से बाबा कहते तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं?
भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो? जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते, परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है? बाबा कहते, क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। तो दुनिया को बदलना है, ऐसा नहीं है कि दुनिया को खत्म करना है, दुनिया को बदलना है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग किसी और दुनिया में होगा, स्वर्ग को लाना है। यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है, नरक को स्वर्ग में बदली करना है ना, यहाँ ही उस दुनिया को लाना है। कहते हैं ले चल इस पाप की दुनिया से, अब कहाँ ले चल इस पाप की दुनिया से, इस पाप को खत्म कर उस पुण्य दुनिया को लाना है। तो इस पाप आत्मा से पुण्य आत्मा में खुद को बदली करना है, विकारों पर बलि पहन कर, ए बलि विकारों की बलि चढ़ाकर जीत पहनना है, कर्मातीत बनना है ना, स्वराज्य लेना है। अर्थात हम आत्माओं का जो अधिकार है, स्वराज्य अधिकारी। तो जब तक आप स्वापर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, कर्म इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। स्वापर विजय, स्वापर कंट्रोल, कर्म इंद्रियों को वश में करना, बाबा कहते इस तरह से बुलाते हैं, है ना। तो दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। बाप आकर लायक नहीं बनते हैं, है ना, बाप लायक बनाते हैं अपने बच्चों को। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना है। चाहे जिसमें जीवन नहीं है, कोई भी निर्जीव वस्तु, उसकी भी तीन स्टेज आती हैं। आज यदि आपने कोई कपड़ा पहन रखा है तो वह भी नए से, उसकी भी एक रजो अवस्था होती है बीच की, फिर एक समय आता है जब बिल्कुल ही फट जाता है, तो फिर दूसरा लेना ही पड़ता है। क्योंकि बार बार उसे हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार उसे हम वॉश करते हैं, धोते हैं, तो बार बार वो उसे हम इस्तेमाल करते तो वह उसकी स्थिति जो है धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ऐसे ही आत्मा शुरुआत में, फिर जब एक जन्म लेकर दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे 84 में आती है, तो उसका जो आत्मा का बल धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है ना। तो एकदम फिर कम, एकदम ही कम, एकदम खत्म नहीं होता। खत्म हो जाए तो फिर रहे ही ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्य नारायण की कथा भी तुम सुन रहे हो, गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। उनके बाल बच्चे हैं। और देखिए, कभी भी वर्षा आपको अपने पिता से ही मिलेगा, काका चाचा मामा से नहीं मिलेगा, है ना। तो यह सब जो शास्त्र है ना, वो काका चाचा मामा ही हैं, तो उनसे नहीं मिलेगा, है ना, भाई बंधुओं से थोड़ी मिलता है ना, बाप से ही मिलेगा। तो बाबा कहते इस तरह से वह सब बाल बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल रहा है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करें,
वर्षा नहीं मिल सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए, विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे तो यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। कोई संत महात्मा आएगा, आपका होरोस्कोप देखेगा या आपको कोई गुरु मंत्र देगा तो वो ऐसे ही फ्री में नहीं दे देगा, है ना। उसके बदले उसकी जेब भरनी होती है ना। और फिर ऊपर से ये भी कहेंगे कि आप इन सब चीजों से मोह ममता से अपना जो है मोह तोड़ो, ये सब जी का जंजाल है। और फिर वही लाख रुपए में तौल के आपको वो दो शब्दों को जिसे हम महावाक्य कहते हैं, है ना, जिस तरह से हम संत महात्माओं के कहते हैं ना, जैसी आज्ञा कहते हैं, उनको पैसे में तौल के वो बोलों को चले जाते। तो यहाँ तो जो बाबा हमें दे रहे हैं उससे पैसा आदि नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सुनाते हैं तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो, है ना। वहां तो ऐसा नहीं, भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूछे थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रोह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबकी सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, जन्म जन्मांतर झूठे कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं, सूर्य के लिए नहीं कहते ना। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, जिसे 16 श्रृंगार कहा गया है। वो 16 श्रृंगार आत्मा के हैं, तभी आत्मा सुंदर दिखती है। तो फिर आप ही शरीर भी सुंदर हो जाता है ना। बाबा कहते फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे। देखिए हमारा जो मतलब कहना चाहिए कि अब हमें ससुर घर जाना है ना, तो पीहर घर में जो हमारे मात पिता हैं वो आपका श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही तो नहीं भेज देते ना, विदा ऐसे ही नहीं करते लड़की को। जिस अवस्था में आपके पास रहती है लड़की, उस अवस्था में तो आप नहीं भेजते ना। उसके लिए जेवर तैयार करवाते हैं, उसके लिए कितना सब कुछ खरीदते हैं, उसको श्रृंगार करके भेजते हैं। तो ऐसे ही ये हमें श्रृंगार करने आए ताकि हम इस तरह से श्रृंगारित हो जाएं, फिर अपने ससुर घर जाएं। बाबा कहते हैं इस तरह से आप जो है जन्म लेते ना, तो पापा कहते कि सर्वगुण संपन्न 16 कला बनेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सुदेवता बनेंगे वाया शांति धाम। फिर हम ये जो हमारा अनादि स्वरूप, तो आप जानते हैं हमारा आत्मा का अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु है। और फिर हमारा जो आदि आदि से हमारा जो ड्रामा में आता है, तब फिर हम ये पावन तन लेकर के निर्विकारी होकर के आदि से देवता बन करके आते। बाबा कहते हैं फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे 16 से 14 में, तो वहां राजा राम सीता का राज्य होता, वह पहले लक्ष्मी नारायण का। तो 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा आप सुनाए हैं। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े, मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा, है ना। वर्षा शिव बाबा से बाबा कहते ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, यह भी भाई हो गया, है ना, क्योंकि वो तो उनका बच्चा है ना, वो तो खुद ही
बन रहे हैं वैसे, तो यह शरीरधारी है ना, शरीरधारी तो किसी का पिता हो ना सके, है ना, आत्मा का, स्पेशली आत्मा का तो पिता वही एक है। तो बाबा कहते तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, आत्मा बच्चा परमात्मा से वर्षा, तो इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है। हम सेंटर्स जाते हैं ना, कभी भी मन में ये नहीं आता है, भला आप मधुबन भी गए हो तो कभी भी क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, है ना, ब्रह्मा बाबा मिले उनके तन में, शिव बाबा मिले तो शिव बाबा से मिलने जाते, मुरली परमात्मा के महावाक्यों को सुनने जाते, सत्संग करने नहीं जाते, किसी सत्संगी के साथ में रह करके वो मनुष्य की छवि नहीं बना कर लाते, शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया है ना, उस बहन के द्वारा शिव बाबा सुनाते, उस टीचर बहन के द्वारा, उस भाई के द्वारा, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है, आत्मा बिंदी है और वह यहाँ अकाल तख्त पर विराजमान है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, है ना, लेकिन बिंदु में सिंधु है, इस तरह से उसमें 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, किसमें, आत्मा में, बिंदी में, उड़ती भी सेकेंड्स में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, प्रकृति के बीच जाए विराजमान होता हूँ, बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है, सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती है क्योंकि वहां यह सब जो नॉलेज है वह होती नहीं, साथ में जाती नहीं, ज्ञान साथ में जाता नहीं, वहां प्रलब्धि प्राप्ति होती, खुद को आत्मा समझते, और जब आपका तन ऐसा फील नहीं आता कि बूढ़ा हो गया, बस ऐसा लगता है कि अभी ये हमारा जो शरीर है अब इसकी आयु पूरी हो गई है तो अब जाए दूसरा शरीर ले लेंगे, बस ऐसा, उनको कुछ ऐसा नहीं रहता, बीमारी उमारी तो कुछ होती नहीं, तो बूढ़ा या कुछ इस तरह से अप्राप्ति आशक्ति या कोई भी ऐसा दुख नहीं होता, तो जिससे ये सब अनुभव हो, है ना, कि इस तरह का फील हो, तो वहां तो एक तन छोड़ दूसरा सांप की माफिक छोड़ देते। बाबा कहते इस तरह से वहां कोई चीज देखने की आशा नहीं रहती, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं, इन आंखों से देखने की कोई बात नहीं, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं, जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है मैं सामने बैठा था तो उसकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई, ऐसे कोई होता नहीं है, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम बच्चे तुम समझते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राहि त्राहि करते हैं, अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार, ऐसे प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबका साथी, सच्चा सहारा, मेरा बाबा, स्वीटेस्ट बाबा, और हम बच्चों को भी स्वीट बना देता है, है ना। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने बच्चों से कहा स्वयं को रोह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है, दूसरा बाबा ने कहा जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उसे ही याद करना है, किसी देहदारी को नहीं,
देहधारी से वर्षा नहीं मिलता। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान बाबा ने दिया मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलियुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक आतेन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनोभव की स्थिति चाहिए। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। स्लोगन बाबा ने दिया, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।